हेलो फूडीज, दिवाली के कुछ ही दिन बचे हैं और हम बना रहे हैं दिवाली के ड्राई स्नैक्स। तो हम बनाएंगे आज मुंह में घुल जाए ऐसे स्वीट शक्कर पारे। मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे यूट्यूब आइकन पे क्लिक करें। यूट्यूब पे जाके आप सर्च बार में इस तरीके से DDHARAS धारास लिखें तो धारास किचन लिखा हुआ आएगा। अगर ना आए तो पूरा किचन लिख दे, धारास किचन पे क्लिक करें। ये लोगो मेरी पहचान है। सब्सक्राइब कर दे, बाजू की घंटी है उसे भी प्रेस कर दे। आप मेरे कोई भी सभी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस पे क्लिक करें, मेरा पूरा वीडियो देखें, यहाँ से लाइक करें और कमेंट करने के लिए सभी रेसिपीज के नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे कमेंट कर दे, और शेयर करने के लिए ये शेयर आइकन पर क्लिक करें। और तो इसके लिए सबसे पहले हम 1/4 कप दूध को उबाल लेंगे, अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। और फिर एक कटोरे में हम 1/4 कप चीनी लेंगे और उसके अंदर हम गर्म दूध ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी घुल जाए तब तक इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। और इसके अंदर हम 1/4 कप घी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, मैं घी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मिल्क को पूरा ठंडा हो जाने दें। और दूसरे बाउल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदे का आटा, रिफाइंड फ्लोर। उसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी, इससे इसका स्वाद और निखर के आएगा। और ऐड करूँगी मैं इलायची पाउडर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसमें ये मिल्क का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका आटा गूँथ लेंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा कर ही मिल्क ऐड करना है और पूरा ठंडा हो जाए मिल्क उसके बाद ही ऐड करना है। फ्रेंड्स, सबकी अपनी मेथड होती है शक्करपारे बनाने की, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बिल्कुल ही करारे, क्रिस्पी और मुंह में घुल जाए ऐसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिल्क यूज़ करके ये आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आटा इस तरीके से हमने गूंथ लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इस तरीके से ढककर हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम आधे घंटे बाद हम इसे फिर से डो को रेडी कर लेंगे और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसके 2 गोले बना लेंगे हम। इसे अच्छी तरीके से हमें मसलना है और इस तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसे रोटी के चकले पर इस तरीके से बेल लेंगे। ये साइड्स से अभी थोड़ा थोड़ा सा फटेगा पर हम साइड्स को जोड़ते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से बेलते जाएंगे। इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है, रोटी की जितना पतला नहीं बेलना है। तो इस तरीके से मैं किनारे को जोड़ते हुए बेलती जाऊंगी। आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगे तो आप चकले को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए भी बेल सकते हैं और इसके कट्स लगा ले। कट्स मैंने यहाँ थोड़े से बड़े लगाए हैं, आप चाहे तो छोटे छोटे भी कट्स लगा सकते हैं। बच्चों को थोड़े से इस तरीके के शेप के बड़े बड़े शक्करपारे पसंद है, इसलिए मैं बड़े शक्करपारे की साइज बना रही हूँ। आप छोटे से कट्स लगाए तो छोटे छोटे बाजार जैसे शक्करपारे बनेंगे। आप देख सकते हैं इसे हमें इतना ठीक रखना है। देखिए, इतना थोड़ा सा मोटा रखना है तो बहुत ही अच्छे बनेंगे ये। तो मैंने चेक्स लगा लिए हैं। अब हम इसे गर्म तेल में तलेंगे। पहले तेल को पूरा गर्म हो जाने दें, इस तरीके से बबल्स आने लगे, फिर हम इसके अंदर शक्करपारे ऐड करेंगे। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे तलेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर ना तले वरना ये ऊपर से कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, पर अंदर से ये
अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसे हम गोल्डन ब्राउन, इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तल लेंगे और टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। शक्करपारे बिल्कुल ही ठंडे हो जाए फिर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में 15 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही और सभी तरीके के शक्करपारे की रेसिपीज़ और दिवाली स्नैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरी चैनल से जुड़े रहें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।